नमस्कार मम्मा बच्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर हमसे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम अपनी बेटी अग्रिमा के लिए कौन सा डायपर यूज करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी के लिए बेस्ट डायपर कौन सा है। और लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जिस डायपर की मैं बात कर रही हूँ वो है पैम्पर्स। हम सब जानते हैं कि पैम्पर्स इज अ वेल नोन ब्रांड जो कि बहुत पहले से ही डायपर्स बनाते आ रहा है, लेकिन पैम्पर्स ने अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अच्छा डायपर लॉन्च किया है जो कि है पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स। ये पैंट स्टाइल का डायपर है जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं बता रही हूँ, मैं भी अपनी बेटी अग्रिमा के लिए पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है, किसी भी तरीके के रैशेस नहीं आएंगे बच्चे को। अगर मैं इसकी क्वालिटी या फीचर की बात करूं तो सबसे पहली बात कि इसका जो मटेरियल है वो इतना सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं कि अगर आप बच्चे की पहनाएंगे तो उसको किसी भी तरीके का रैशेस नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है और जो ये बेबी के जो लेग का एरिया है यहाँ पर भी बच्चे को थाई में बिल्कुल भी रैशेस नहीं आएंगे। बेबी बहुत आसानी से उठ सकेगा, बैठ सकेगा, चल सकेगा। इवन आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हम नॉर्मली जब कोई डायपर पहनाते हैं बच्चे को तो जब बच्चा एक बार पी कर लेता है उसके बाद डायपर के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे का स्किन होता है वहां पर थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायपर रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इस डायपर का जो मटीरियल है वो ब्रीथेबल है, मतलब कि एक बार बच्चा अगर पी कर लेता है उसके बाद जो मॉइस्चर है वो बाहर डायपर से बाहर निकलता जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं डायपर में गर्म पानी डाल रही हूँ और ग्लास को मैंने यहाँ पर उल्टा रखा है और आप देख सकते हैं इससे मॉइस्चर निकल रहा है, कि भाप के रूप में जो भी मॉइस्चर है वो निकल रहा है और ये आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये ब्रीथेबल है। दूसरी चीज जो कि इस डायपर की मुझे सबसे अच्छी लगी वो है वेटनेस इंडिकेटर। नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी कोई बच्चे को डायपर पहनाते हैं उसके बाद हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि बच्चे का जो डायपर है वो गीला हो गया है क्या। इस डायपर में एक येलो लाइन दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो इस डायपर में ये येलो लाइन दे रखी है। अगर बच्चे ने पी कर लिए उसके बाद ये येलो लाइन ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि अब बच्चे का डायपर चेंज करने का टाइम आ गया है। एक और खास बात इस डायपर की मुझे ये अच्छी लगी, डिस्पोजेबल टेप। जनरली हम जब ट्रैवल करते हैं या हम कभी बाहर जाते हैं तो उस टाइम पे डायपर को थ्रो करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट सिंस इसमें डिस्पोजेबल टेप दिया गया है तो इसको जस्ट आपको रैप करना है। इस डिस्पोजेबल टेप की हेल्प से आप इसको जस्ट रैप कर सकते हो और बहुत आसानी से इसे थ्रो कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने इस डायपर में दे रखी है। नॉर्मली हम जब भी कोई बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो बच्चे के पी करने के बाद वो डायपर में जो पी है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, मतलब वो डायपर एक साइड से बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, बच्चे को चलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट सिंस इस डायपर में एयर चैनल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में अगर बच्चा पी करेगा तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चारों तरफ, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि डायपर लटक जाए। तो अगर इन केस आप बच्चे का डायपर एकदम चेंज नहीं कर पा रहे पी करने के बाद तो आप थोड़ा देर एटलीस्ट रुक सकते हैं, जिससे बेबी अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा क्योंकि डायपर लटकेगा नहीं। जनरली जब कोई माँ डायपर यूज करती है जो फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं तो उन्हें बहुत टेंशन होती है, ये लगता है उन्हें ऐसा तो नहीं बच्चे के स्किन को किसी तरह से हार्म नहीं कर दे। बट सिंस इस डायपर में एलोवेरा जेल है और साथ में लोशन की भी कोटिंग है तो आप बच्चे को बहुत इजीली पहना सकते हैं। मैं बता रही हूँ इससे किसी भी तरीके की रैशेज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये मैंने यूज किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको इस चीज के लिए बोल सकती हूँ। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा, कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और दूसरी पेरेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।